गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. लास्ट टाइम वी हैव स्टार्टेड विद अवर चैप्टर सब्ट्रैक्शन एंड वी हैव डन एक्सरसाइज 3A एंड 3B. सो टुडे वी विल स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 3C एंड द टॉपिक इज रीग्रुपिंग ऑफ नंबर्स फ्रॉम टेंस टू वंस. दिस इज ऑल्सो सब्ट्रैक्शन एंड वी विल डू रीग्रुपिंग ऑफ नंबर्स. हम टेंस नंबर्स को वंस में कन्वर्ट करेंगे बाय रीग्रुपिंग. ठीक है. सो ओपन योर बुक्स एंड ओपन योर पेज नंबर 100 एक्सरसाइज पेज नंबर 100 एंड एक्सरसाइज 3C. सभी अपनी बुक्स ओपन करोगे और ध्यान से अपनी बुक्स में देखोगे. ठीक है. क्योंकि मैथ्स में बेटा कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है. अगर आप कंसंट्रेशन से समझोगे तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है. अभी हम देखेंगे कि हमें रीग्रुपिंग कैसे करनी है. रीग्रुपिंग ऑफ नंबर्स फ्रॉम टेंस टू वंस. क्लियर. अभी आप यहाँ देखो 110 है. आप इसे काउंट करोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 बॉल से आपका क्या बना है 110 एंड 3 आर सेपरेट सो वी कैन कॉल इट 3 वंस. क्लियर. वी हैव टू रीग्रुप इट. वी विल रीग्रुप इट एंड वी कैन से 13 वंस. इसको हमने रीग्रुप कर दिया, कंबाइन कर दिया. जब हमने इसे कंबाइन किया, रीग्रुपिंग की, तो हमारे पास क्या आया 13 वंस. इक्वल है ना. 110 प्लस 3 वंस इज इक्वल टू 13 वंस. बोथ आर इक्वल. वी कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो एंड वी कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो. इज दैट क्लियर. कुछ नहीं है, सेम नंबर्स हैं. अभी नंबर सेपरेट थे और हमने इसको लिखा था 110 प्लस 3 वंस. जब हम रीग्रुपिंग करते हैं तो हम इसे वंस में कन्वर्ट कर दिया और हमने रीग्रुप करके इनको सबको साथ में लिखा और हम इसे कॉल कर सकते हैं 13 वंस. क्लियर. नाउ यू कैन सी अनदर एग्जांपल. ये 10-10 के बेटा ग्रुप्स हैं तो हम इसको 4 ग्रुप्स हैं हमारे पास 10-10 के 1, 2, 3, 4. सो वी कैन कॉल इट 4 टेंस. और 2 बॉल्स सेपरेट हैं, वी कैन कॉल इट 2 वंस. 4 टेंस प्लस 2 वंस. क्लियर. अभी हमने इसको रीग्रुपिंग किया है और लास्ट वाले हमने सेपरेट किए हैं. ठीक है. 3 टेंस का हमने ग्रुप लिया है. 3 10-10 की बॉल्स हमने अलग ली हैं तो हम इसे लिखेंगे 3 टेंस. और इधर का 110 हमने इधर शिफ्ट किया है और इसका अलग से ग्रुप बनाया है सो वी कैन कॉल इट. आप देखते हो 1 ग्रुप में 10 बॉल्स है और 2 और बॉल्स हैं तो वी कैन कॉल इट 12 वंस. ठीक है. सो हेयर यू कैन सी 4 टेंस प्लस 2 वंस और वी कैन राइट इट जो हमने रीग्रुपिंग की थी 3 टेंस प्लस 12 वंस. क्योंकि एक 10 का ग्रुप हमने इधर शिफ्ट किया है और 2 बॉल्स को लिए. टुगेदर वी कैन कॉल इट 12 वंस. ठीक है. अभी आप 3 एग्जांपल्स और देखोगे. इन द सेम वे वी हैव 3 टेंस प्लस 7 वंस. तो 3 टेंस में से हमने 110 इधर शिफ्ट किया तो हमारे पास क्या रह गया 2 टेंस. और जब हमने 110 इधर शिफ्ट किया तो ये 7 वंस का क्या बन गया 17 वंस. क्लियर. 3 में से हमने 1 इधर शिफ्ट किया था तो इधर हमारे पास रह गया 2 और जब इधर शिफ्ट किया तो 7 का बन गया 17 वंस. लाइक दिस 8 टेंस प्लस 0 वंस. 1 हमने फिर से शिफ्ट किया तो शिफ्ट करने के बाद 8 में से 1 जब हमने ले लिया उधर तो हमारे पास रह गया 7 टेंस. प्लस 1 हमने शिफ्ट किया था 0 में तो ये बन गया 10 वंस. ठीक है. नाउ अनदर एग्जांपल 7 टेंस प्लस 1 1. अब 7 में से फिर से हमने 1 शिफ्ट किया मीन सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास रह गया 6 टेंस. और जो 1 शिफ्ट किया था इसको प्लस कर देंगे हम वंस में तो ये बन गया 11 वंस. क्लियर. नाउ बेटा ये फर्स्ट पार्ट आप अपनी बुक में ही करोगे और सेकेंड से मैम ने आपको वर्कशीट दी है. वो वर्कशीट आपको अपनी मैथ्स कॉपी में करनी है. बाकी आप ये एक्सरसाइजेस अपनी बुक में ही करोगे. क्लियर. अभी आप देखोगे 110 प्लस 15 वंस. ठीक है. वेट अ मिनट. आई एम
टेलिंग यू विद पेंसिल. जो ये आपके पास ग्रुप है इसको आपने फिर से रीग्रुप किया. वन टेंस प्लस फाइव मंथ्स को जब आप रीग्रुप करोगे एक साथ लोगे तो यू कैन कॉल इट 15 वंस. ठीक है, लाइक दिस यू विल राइट इन योर बुक. यहाँ पर भी हमने ऐसे ही किया था, है ना. हमारे पास सेपरेट सेपरेट ग्रुप था, हमने इसको रीग्रुप किया, है ना. 110 प्लस 3 वंस था तो इसको हमने एक साथ रीग्रुप किया और हमने क्या बनाया था, 13 वंस. लाइक दिस वी हैव टू डिफरेंट ग्रुप, एक टेंस का ग्रुप है और एक 5 मंथ्स का ग्रुप है. जब हमने इसको रीग्रुप किया और एक साथ कंबाइन किया तो हमने इसे क्या बनाया, 15 वंस. क्लियर. अभी यहाँ आपके पास क्या है, 710 प्लस 0 वंस. टेंस के आपके पास 7 ग्रुप्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ठीक है, जब हम इसे रीग्रुप करते हैं तो हम 110 निकाल कर हमने इधर दे दिया है और यहाँ आपके पास जब आपने 1 शिफ्ट कर दिया तो 7 में से 1 शिफ्ट करने के बाद सब्ट्रैक्ट करने के पास आपके पास क्या बचा है, 6 टेंस. और इधर आपके पास क्या हो जाएगा, 10 वंस. क्लियर. इन दिस वे यू हैव टू डू रीग्रुपिंग और रीग्रुपिंग से रिलेटेड ही आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स है. देखिए यहाँ पर है 110 प्लस 8 वंस. आपने रीग्रुपिंग की, कंबाइन किया तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 18 वंस. लाइक दिस 2 टेंस प्लस 7 वंस. अब फिर से हमने देखो, आप इधर देख रहे हो, इधर हमने 1 शिफ्ट कर दिया है. जब हमने 2 में से 1 शिफ्ट कर दिया है तो हमारे पास 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करने पर क्या बचता है, वी आर लेफ्ट विथ 1. 110 प्लस 17 वंस, क्योंकि हमने 1 इधर 7 में दे दिया है ना. नाउ नेक्स्ट इज 2 टेंस प्लस 0 वंस. अगेन यू कैन सी 2 में से हमने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया है तो हमारे पास क्या बचा है, 110. और जब 1 हमने इधर शिफ्ट किया है तो ये 0 से क्या बन जाएगा, 10 वंस. एंड हियर ऑल्सो 6 टेंस प्लस 3 वंस. तो 6 में से आप देख रहे हो हमने 1 फिर से मूव किया है, उधर शिफ्ट किया है. 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करने पर 5 टेंस एंड इधर 3 वंस का क्या बन जाएगा, 13 वंस. सो इन दिस वे यू विल डू द रीग्रुपिंग. क्लियर. ये आपका रीग्रुपिंग था, रीग्रुपिंग ऑफ नंबर्स फ्रॉम टेंस टू वंस. इससे रिलेटेड वर्कशीट आपको मैम अपलोड करेगी, वो आप अपनी मैथ्स की कॉपी में एकदम क्लियर वर्क करोगे. कुछ बच्चे अपना वर्क कंप्लीट नहीं कर रहे हैं. अभी तक तो वो जैसा चल रहा था आप लोगों ने चलने दिया, लेकिन आगे आपके मार्क्स कट हो जाएंगे. अगर मुझे क्लियर वर्क नहीं मिलेगा नीट एंड क्लीन, आई विल कट द मार्क्स. अभी आप देखोगे नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास है सब्ट्रैक्शन विथ रीग्रुपिंग. ठीक है, अभी हमने रीग्रुपिंग की थी फ्रॉम टेंस टू वंस, अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे विथ रीग्रुपिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम 53. आपने फ्रॉम वाला नंबर ऊपर लिखना है 53 एंड व्हाट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट यू हैव टू राइट बिलो द वंस और टेंस. हियर इट इज ओनली वन नंबर सो वील राइट बिलो द वंस. इन दिस वे यू विल राइट द नंबर्स एंड यू विल सब्ट्रैक्ट. ओके, अभी आप देखोगे 3 नंबर्स 8 नंबर से स्मॉल है तो आप स्मॉल नंबर में से बिग नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो. तो आप 3 वंस को 13 बनाओगे. 1 आप बोरो करोगे फ्रॉम 5, है ना. जब आपके पास कम होता है तो आप किसी से लेते हो ना, इसीलिए यहाँ 3 आपके पास कम है. आप इसको बिग बनाने के लिए हेल्प लोगे 5 नंबर से. जब आपने हेल्प ली 5 से, इसको आप 13 बना दोगे और 5 को आप कट करके 4 लिखोगे, क्योंकि आपने 5 में से 1 नंबर बोरो किया है ना. तो बोरो करने पर 3 का 13 बन जाएगा और 5 का 4 हो जाएगा. फिर आप 5 8 से काउंटिंग करोगे 13 तक,
8 से जब हम काउंटिंग करेंगे 13 तक, उतनी नंबर्स फिंगर्स हम ओपन करेंगे, 8, 9, 10, 11, 12, 13। सबने फिंगर्स ओपन करनी है काउंटिंग करते हुए, जितनी फिंगर्स ओपन होंगी उतना आप नंबर यहाँ पर लिखोगे। 5 फिंगर्स ओपन होती हैं, सो वी विल राइट 5 हियर, और यहाँ पर 5 के प्लेस पर हमारे पास क्या था, 4, सो वी विल राइट 4 हियर। क्लियर? इन दिस वे यू विल डू द सब्ट्रैक्शन। अभी मैम आपको इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस देगी वर्कशीट में, वो भी आप अरेंज करके लिखोगे एंड देन यू विल सब्ट्रैक्ट। यू कैन सी द एक्सरसाइज 3D। ठीक है, ये एक्सरसाइज आप बुक में भी करोगे बेटा कंप्लीट, और जो क्वेश्चंस मैम ने वर्कशीट में दिए वो आप अपनी मैथ्स कॉपी में करोगे। ठीक है, हियर यू कैन सी 6 एंड हियर 8, सो 6 इज स्मॉलर देन 8, तो इसको बिगर बनाने के लिए हम 7 से हेल्प लेंगे। 7 से हमने बोला प्लीज लेंड मी वन नंबर, जब आपने 7 से 1 नंबर उधार लिया है, बोरो लिया है, तो आप 6 का क्या बना दोगे, 16, और 7 में से हमने 1 लिया है तो 7 में से 1 सबट्रैक्ट करने पर हमारे पास आता है 6। ठीक है, अगेन हियर इट इज 16, यू विल काउंट अप टू 16, कहाँ से काउंट करोगे, 8 से, नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर तक काउंट करोगे, और जितनी फिंगर्स ओपन होंगी आप यहाँ पर आंसर लिखोगे। चलो मैम के साथ काउंट करो, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, कितनी फिंगर्स काउंट हुई हैं, काउंट करो, 5, 6, 7, 8, 8 फिंगर्स आपने ओपन की, सो यू विल राइट 8 हियर। क्लियर, नाउ हियर इट इज 6 एंड हियर इट इज 3, सो यू विल काउंट अप टू 6, 3 से आप 6 तक काउंट करोगे, 4, 5, 6, 3 फिंगर्स ओपन, सो यू विल राइट 3 हियर। क्लियर, वन मोर आई एम गोइंग टू टेल यू, हियर इट इज 2 एंड हियर इट इज 5, अगेन यू विल बोरो 1, यू विल टेक हेल्प फ्रॉम 5, यू विल मेक इट 12, और जब आपने 1 बोरो किया है यू विल मेक इट 4, अगेन यू विल काउंट फ्रॉम 5 अप टू 12, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कितनी फिंगर्स, सॉरी 12, कितनी फिंगर्स ओपन हुई हैं, 7 फिंगर्स, यू कैन सी, सो यू विल राइट 7 हियर। नाउ हियर इट इज 2, हियर इट इज 4, काउंट करोगे 4 तक, 3, 4, ओनली 2 फिंगर्स वी हैव ओपन, सो वी विल राइट 2 हियर। क्लियर, और बेटा अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप वीडियो को बार बार देखोगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखोगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे, आपको सब समझ में आएगा। इन दिस वे यू विल डू सब्ट्रैक्शन सम्स बाय योरसेल्फ। ठीक है, ये वाले नंबर्स भी आपको ऐसे ही करने हैं, ये क्वेश्चन आपकी बुक में रॉन्ग है। ठीक है, इसमें आप क्वेश्चन को चेंज करोगे, 73 यू विल राइट हियर एंड 54 यू विल राइट हियर। ठीक है, यू विल सब्ट्रैक्ट 54 फ्रॉम 73, बाय मिस्टेक ये गलत प्रिंट हो गए, इसे आप करेक्ट कर लोगे, जैसे मैम ने करेक्ट किया है 54 फ्रॉम 73। ठीक है, आप फ्रॉम वाला नंबर ऊपर लिखोगे, ठीक है, और ये वाला नंबर आप नीचे लिखोगे और फिर सब्ट्रैक्ट करोगे, ऐसे ही फ्रॉम 52 ऊपर लिखोगे, 27 नीचे लिखोगे और सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, ये सब आपका सब्ट्रैक्शन है, ये आप खुद से करोगे, और मैम ने जो जैसे जिस प्रोसीजर से आपको समझाया है उससे करोगे तो कभी भी आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा। क्लियर, अभी एक और एक्सरसाइज मैं आपको समझा रही हूँ, 3E। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है बेटा, आपको सब्ट्रैक्शन ही करना है। ठीक है, लेकिन सब्ट्रैक्शन करने के बाद हम अपने आंसर को भी चेक करेंगे कि वेदर अवर आंसर इज राइट और रॉन्ग, आप खुद से ही सेल्फ चेकिंग कर सकते हो। ठीक है, वो सेल्फ चेकिंग आपको कैसे करनी है मैम यहाँ पर समझा रही है। पहले हमने सब्ट्रैक्शन करना है,
सिक्स में से वन सब्ट्रैक्ट किया तो बैक काउंटिंग करोगे आप, वन फिंगर ओपन करोगे जैसे हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, सिक्स से बैक काउंटिंग करोगे, सिक्स वन फिंगर ओपन किए फाइव, है ना, तो व्हाट इज कमिंग फाइव। थ्री से फिर से बैक काउंटिंग करोगे, वन फिंगर ओपन करोगे, थ्री के बाद बैक काउंटिंग स्टार्ट की टू, सो व्हाट इज कमिंग हियर 25। अब आपको अपना आंसर चेक करना है तो आप क्या करोगे, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर आप यहाँ पर लिखोगे। सबसे पहले आपने कौन सा नंबर लिखा, नीचे वाला नंबर लिखा 25। देन यू विल राइट दिस नंबर 11 हियर। अभी आपने सब्ट्रैक्शन किया था, अभी आपको आंसर चेक करने के लिए इसको एडिशन करना है, ऐड करना है। 5 में 1 प्लस किया 6, 2 में 1 प्लस किया 3। अगर आपके पास ये वाला आंसर सेम आ रहा है, इट मींस यू हैव डन योर सब्ट्रैक्शन करेक्टली। अदरवाइज अगर ये आंसर नहीं आ रहा है, आपने कुछ सब्ट्रैक्शन में रॉन्ग किए, तो आप उसको फिर से करके देखोगे, ठीक है। अगर ये आंसर आपके पास सेम आता है जो हमने ऊपर नंबर लिया है, तो इट मींस यू हैव डन योर सब्ट्रैक्शन करेक्टली। ओके, वन मोर आई एम गोइंग टू टेलिंग यू, यू कैन सी दिस नंबर 7 minus 3, ओपन योर थ्री फिंगर एंड डू द बैक काउंटिंग 6 5 4, सो वी विल राइट हियर 4, हियर इट इज 6 एंड हियर इट इज 4, ओपन योर फोर फिंगर्स एंड स्टार्ट बैक काउंटिंग फ्रॉम 6 5 4 3 2, यू कैन सी 2 इज कमिंग हियर। अभी मैम ने आपको क्या बताया था, फिर से ये 2 नंबर्स आप ऊपर लिखोगे, पहले आपने 24 लिखा, ठीक है, फिर आप क्या लिखोगे 43, और इसे ऐड करोगे। इस स्टेप में आपको ऐड करना है, 4 में 3 प्लस किया 5 6 7 एंड 4 में 2 प्लस किया 6। अब आप देख सकते हो इधर भी आपका आंसर 67 है एंड हियर इट इज आल्सो 67, इट मींस आपने सब्ट्रैक्शन करेक्ट किया है, ठीक है। तो 3E तक अभी आप अपनी एक्सरसाइजेस कंप्लीट करोगे इन योर बुक आल्सो एंड इन योर मैथ्स नोटबुक आल्सो, क्लियर। सो नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट विद अवर स्टोरी प्रॉब्लम सम, ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम स्टोरी प्रॉब्लम सम्स करेंगे। अभी आप 3C, 3D और 3E तक अपना कंप्लीट करोगे और बेटा डेली प्रैक्टिस करोगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। ओके चिल्ड्रेन, बाय बाय, टेक केयर।